जय श्री राम भाई, जोधपुर के अंदर एक लव जिहाद का तगड़ा मामला पकड़ा गया है। ये लड़का है जो मोमडन है और इसने एक बंगाल का है। रोमत नाटक क्यों कर रहा है फालतू की? ये लड़का है, मुस्लिम है और इसने अपना नाम हिंदू बता के डेविड बताया। मैंने हिंदू नहीं। चुप कर रहे तो झूठ क्यों बोल रहा है? पुलिस आ जाएगी अपना पूछताछ करने की। कर लेंगे। हाँ, तो इसने अपना आपको हिंदू नाम बता के लड़की को बुला लिया दिल्ली से और यहाँ पे लड़की एक फैक्ट्री के अंदर है, तो हमने पुलिस को बुलाया है। और ये रही लड़की, इधर आ। क्या बताया इसने लड़के ने तेरे को? इधर आ। क्या बताया इसने? हिंदू है बोल के बताया, यहाँ आके हमको पता मिला कि मुसलमान है। हाँ? कोई बात नहीं, अब ये बोल रहा है जब जो बोल रहा है। रुक जा तू एक मिनट। इसने क्या नाम बताया? डेविड। डेविड, और तूने क्या नाम बताया रे? मंत्री। मंत्री क्यों? तेरा नाम मंत्री है? मेरे मंतजीर नाम है मेरा, सच में मेरा मंतजीर नाम है। मैं हर आदमी से मैं पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, तो मैं मेरे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मैं जब से इस शराब पीता हूँ, मैं पीता हूँ शराब। तो मुसलमान शराब तो पीते हैं? नहीं पीते हैं, मेरे को पता है। मुसलमान शराब पीते हैं? नहीं पीते हैं, लेकिन मैं वो जो मेरे खानदान का समझती, मेरे छोटे मेरे पापा मर गए, तो मैं मेरे मम्मी का सहारा कोई नहीं था, मैं अकेला जिंदगी में भटका हूँ। दो तीन चार 12 साल की उम्र से मेरे काम करना चालू हुए। मैंने बार बार रहे मेरा अपना टैलेंट मेरा होश आया। मेरे दिल्ली बम्बई मेरे कर्नाटक तमिल चेन्नई हर चीज मेरे को हर बच्चा आता है। उसके बाद में लड़कियों को हिंदू बनके पसंद आए। ये क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? इसकी बहन को पूछा है पहले आपने? इसकी बहन से बात की तूने? इसकी बहन से बात करने की? पुलिस आ रही है, इसकी बहन से तूने बात की? मैं आपको यहाँ पर वीडियो पे बताऊंगा। हाँ तो बता ना सही। यहाँ पर एक लड़की है मेरा। कौन लड़की? जो मेरा भैया है वो मेरे को मारूंगा बोल दिया। किसने बोला मारूंगा? वो बोल दिया कि मेरे को मारूंगा। एक है नीचे नाम क्या है तेरा? तू कुछ गड़बड़ किया तो रुजा, इसको धमका क्यों रहा है? इसको नहीं धमका रहा हूँ। कल शाम को आया, कितने शाम के मेरे से रूम से लेके वो लोग गया। रुक जा रहे अरे बोल रहा है मेरे को मारूंगा वो लड़का। एक महीने से बात कर रहा है। क्या बोला तेरे को? मेरे को बोला कि इसके सामने रुक जा रहे। पूछ लीजिए क्या बोला तेरे को? मेरे को बोला कि हम हिंदू है। हाँ हम मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, पता भी नहीं है हमको ये मुसलमान है बोलते। हाँ। तो हम मुसलमान नहीं है तो बात कर लिया। हाँ। तो ये नाम बताए हमको डीपी। हाँ। कहाँ पर रहती थी? हम बंगाल में था, वहाँ से गांव से दिल्ली आए था काम करने के लिए। अच्छा। तो ये हमको एक बार बोल रहा था यहाँ आओ यहाँ आओ बोलते। क्यों बुला रहा था? पता नहीं, ये बोल रहा था यहाँ पर ये आना नहीं चाहेगा तो मैं खुद बुलाऊंगा। अरे तू रुक जाना, इससे पूछ रहा हूँ। आने भी नहीं खुशता था, आने भी नहीं था यहाँ, लेकिन ये जबरदस्ती हमको बुलाया। जबरदस्ती कैसे बुला लिया फोन पे? शादी करना है थी। इधर आ, तेरे को शादी का बोली थी? ये क्या बोले? हम शादी करने के बाद नहीं हुआ था। शादी के बाद हुई थी तेरी? नहीं, शादी होने के बाद नहीं। क्या बोला था ये? मैंने 10 मिनट इसके दो बच्चे भी हैं। किसके? इसके दो बच्चे हैं, फिर भी तू इसको बुला लिया? नहीं, इसका पति मर गया। लव चलता है इसके साथ? ये बोल रहे हैं कि किसी की बात पे बेकार मैं यहाँ पर पीता हूँ। ये भैया को पता है, सबको पता है कि मैं बेवड़ा हूँ। हाँ, तो उसने उसको बता दिया कि मैं पीता खाता हूँ ज्यादा। हाँ, बेवड़ा हूँ, बाहर फेंकने के बाहर सुनता हूँ। इसलिए इसने इग्नोर करने लगा मेरे। तो ये जैसा कि सुनने लगा वापस आने लगा। रात को बहुत मुश्किल से मैंने बैठा, तब वो लोग बोला, तब आया। अभी भी मैं यही बोलता हूँ। ये बोलता है, इसको बुलाया क्यों? शादी करने के लिए बुलाया, लेकिन ये दूसरे का बात समझ रहे ना। ये सोच रहा है कि मैं खराब हूँ। तो तेरे को बताया, सुन, आपको पता है मैं पिता हूँ। मैं ज्यादा इधर देख, पिता है तो ये दो बच्चों की माँ है, तेरे को पता था? पता है, लेकिन तो मैं भी तो फिर शादी क्यों कर रहा था? कौन सा है कुंवारा हूँ मैं अभी। तेरे भी शादी हो रखी है? मेरे जो है वो
बोरा है जिसे चाहिए। मेरे घर में मेरे माँ बोल रहा है कि बोरिया लेके आओ, बोरिया लेके आओ, बोरिया क्या पत्नी, पत्नी लेके आओ, घर में काम करने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ है। तो इसको फंसा लिया तुमने? फंसा लिया नहीं, तो फंसाने के बाद नहीं, वो घर में जाए क्या बोल रहे, दुख में रहेगा तो भी खुशी में रहेगा। तेरी माँ बोले पत्नी ला, तुम इसको लेके आ गया, इसको ले कोई बाजार में थोड़ी ना है जो मैं जाके लेके आया था। तो इसको कितना मेहनत करा, सबको आया ऐसे आ जाएगा। मैंने 2000 रुपए इसके अकाउंट में डाला, डाल दिया था। तो फिर उन्होंने अकाउंट में डाला और इसको यहाँ बुलाया। तो सच बात है, इसने बोला कि जहाँ पर ऑफिस में काम लग गया ना, वहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका टॉर्चर करते हैं, वहाँ पर उसका मेकअप सही नहीं करता है, और सही नहीं करता है, बोलने नहीं देता है, मोबाइल फेंक देता है, ऐसा बोला। तो मैं बोला टेंशन मत ले, मैं पैसा 2000 रुपये डाल दूंगा, वो दिल्ली से निकल जा। 2000 डाल दूंगा भी नहीं बोला, दिल्ली से निकल जा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तेरे दिल्ली स्टेशन। 2000 में तेरे को लड़की मिल गई? 2000 की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं बोला कि तू वहाँ से भाग जा, तो मैं आऊँगा देखो वहाँ से लेके आ जाऊँगा, तू टेंशन मत ले, तेरे घर जाने का मन लगे तो घर जा दूँगा। तो बाद में तो ये इसको मैंने बोला तो ये भाग गया सुबह। अब तू कहाँ जा प्रॉपर? सुबह इधर सुने ना, सुबह 5 बजे इसने वो अपने कोठी से भाग गया, टक 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 एकदम जाके जाके ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ने के बाद उसको पता नहीं है कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैंने अपने गांव के ये जो बोला वो लड़की था ना, तो गांव की, तो मैंने बोल दी दीदी मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दिल्ली गया नहीं है, बम्बई गोवा तमिलनाडु मेरे हर भाषा हर जगह पे घूम के बैठा हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं दिल्ली गया नहीं, मेरे को पता नहीं। तो बोला कि टेंशन मत ले, मेरा भाई लोग है वहाँ। तो मैंने बोला कि भाई लोग है वहाँ पर, तो इस दीदी ने भी तेरा सपोर्ट किया इसको बुलाना में? हाँ, उसको बुलाना में उसने बोला कि टेंशन मत कर, मेरे भाई लोग हैं वहाँ पर, वहाँ मैं एक दिन के लिए रख दूंगा। तो मैं बोला कि मैं टेंशन हो गया, मैं मेरे पास पैसा भी मैं सेठ से मांगा नहीं, पैसा दिया नहीं। फिर मैंने घर पे मैं वापस फोन किया, मेरे को पैसे की जरूरत, तो बोल रहा है कि मम्मी बोल रहा है कि अभी तो दूर है बैंक थोड़ा बंद है, ऑनलाइन में मैं कल भेज दूंगा। मैं कल सुबह ही फोन किया, मम्मी ने 4000 रुपये डाल दिए, बोल रहे कि बेटा 4000 रुपये हो जाएगा कि और डाल दो। मैंने बोला कि मम्मी 4000 रुपये में हो जाएगा, तो मैंने 4000 रुपये निकल के 2000 इसके अकाउंट पे डाल दिए। बाकी बाद में 2000 रुपये मैं अपने पास में रखा। ये आएगा तो यार कुछ ऐसा है नहीं, तो ये आई ना यहाँ पे आया सेठ। अरे तू रेलवे स्टेशन फोन लेके आया इसको? मैं लेके आया। तू लेके आया क्या बोला तेरे को? ये नौकरी का बोला कि शादी का? यार वो नहीं, वो तो सीधा चला है। तेरे को क्या बोला? थोड़ी ना मेरे को, चुप रह जा, तू चुप रह। अब तू बता तेरे को क्या बोला? ये कुछ नहीं बोला, लाने दिया था वहाँ इस विषय में, कुछ नहीं बोला, लेके आया। हाँ, तो हम चला आया। हाँ, फिर तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि मुसलमान है? यहाँ आके बताया। क्या नाम बताया? डिजिट नंबर नहीं बोला भैया तू चला जाएगा, चला जा, मेरी इज्जत क्यों बर्बाद कर, आज मेरे रूम के सामने आएगा तू जाके मेरे नाटक मत कर रहे। पैसे तू ले ले, तू घर जाओ, चला जा, तू हिंदू बन के बुला जा, इसको मालूम पड़ा तू मुसलमान है, वापिस जाओ। अब तू कहते वापिस जाओ, मजा देते आपने आपने सोच रहे ना, उसको आप पता है सब। अब वो हिंदू बड़े बोले एक झूठ बोल देंगे ना वो, तो मेरे को बहुत मार पड़ेगी, तो वो एक झूठ बोलने के प्यार तो पुलिस वाला है, वो बोल देगा नहीं मारेंगे पुलिस वाले, मार करके प्यार करते हैं उसको बोल देगा वो का यार। हिंदू मुस्लिम की नाटक क्यों लगा? अच्छा तो प्यार करेगा? प्यार करेगा वो बात नहीं, जानता हूँ मैं तेरे को, कितने भाई है तू? मैंने इसको कुछ टच भी नहीं किया, मतलब क्यों बता रहा ना, इसकी बहन के साथ भी तेरा सेटिंग था, इसके भाई के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, जो मशीन है ना वो पावर वो की गार्डन पे चिट जन में आते हैं, उसमें जो उसका मेन भी आता है, मतलब लड़की लोग को भी दे रखा है वहाँ। लड़की लोग आएगा। तेरे भाई कितने हैं? मेरे भाई कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं हूँ, मेरा माँ है, मेरा पापा मर गए। और कहाँ का रहने वाला? मैं बंगाल का। और ये बंगाल का है, घर के थोड़ा दूर में, तुम्हारा गाँव कितना दूर है?
गांव कितना दूर है? इसके मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी में इसके घर। तो तेरी बातचीत कब चालू हुई थी? इसको यहाँ बुलाया ना, पहले कब देखा था इसको? नहीं देखा हूँ। देखा ही नहीं, फोन पे ही आ गई तुम तो फिर पागल कैसे आ गई तुम? देखा ही नहीं, कोई ले जाके भेज देगा तेरे को तो? मैं बोल रहा हूँ इसके दीदी से, मैं वो मशीन की बात काम की चल रहा था। इसकी दीदी से सेटिंग था, इसको पटा लिया। सेटिंग नहीं था, मतलब ट्रेनिंग था। तू शादी कैसे कर रहा था? तूने इसको देखा ही नहीं शादी के लेके? तो चलो कुछ नहीं, रुक जा, तुम पुलिस आएगी। सुनो भाई, ये लड़की हिंदू है और ये मुसलमान है, और इसने जान बूझ के पहले इसकी बहन के साथ सेटिंग था, इसके नंबर मिले। बहन से सेटिंग नहीं था मेरा, इसका बहन से दोस्ती था मेरा, दोस्ती था, दोस्ती वो काम करने अरे हनुमान जी, मैं वह राम जी फोन करो। कितने टाइम फोन आ गया? उसके बाद उसका साथ बात करता था दीदी के साथ। दो दिन में मेरा फिर उसके फोन पर हमने उसको फोन किया था। मैंने किया था, एक किया उसको पता है। फिर भी अब कब फोन किया? फोन कब आया था इसका? तो तू आगे फोन पे भरोसा करके तेरे उसका नाम पता नहीं, शक्ल पता नहीं। अरे आप क्या तो बदनाम कर रहे हैं हम लोगों? आप केस डालेंगे, क्या डालना? मोटा के किसी के साथ भाग जाती है? अभी आने दे पुलिस को, सपोर्ट करते हैं तेरे को। तेरे बाप के नंबर दे, तेरे माँ बाप के नंबर दे। नंबर है क्या? तेरे पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम क्या है? विंसेंट। और कितने भाई हो तुम? और बहन है? तू एक ही है? मेरे बहन से इसका सेटिंग था। काका का बेटी? काका का बेटी है। और तुम वहाँ गांव से यहाँ भाग के आ गए इससे फोन पे बात करके? कितने टाइम दिल्ली काम किया? और 3 महीने से यहाँ आ गई? ना कटवा रहे हिंदुओं का। चलो छोटो भाई, पुलिस आ रही है। ये छोरा है मुस्लिम है, इसने अपना नाम हिंदू बताया और उसके बाद में लड़की को फंसाया और यहाँ पे जोर से बुला लिया। कुछ फंसा क्या मतलब? रुक जा, तू फंसाया नहीं लड़की को, थोड़ी ना जो इधर फेंक के फंसा लूं। तो इसको क्यों बुलाया? औरत जात बेइज्जत करना जानता हूँ, भले मैं बेवड़ा हूँ लेकिन मेरे इज्जत औरत जात के लिए बहुत इज्जत है। शादी के लिए बुलाया इसको? अभी शादी के लिए उसने मना कर दिया? शादी के लिए वो मैंने शादी के लिए नहीं बुलाए थे, ये आया था, इसको मजबूरी देख के मैंने बुलाया। ये बोल रहा मैंने शादी के लिए बुलाया, अभी क्या बोला था? आप एक बार सुनिए तो सर, ये कुछ जिस स्कूटी पे तेरे राम गाने छोड़, इसको क्यों बुलाया? अभी बोल रहा था ना शादी के लिए, फिर इसने मना कर दिया? वो बात अलग की बात है, पहले की बात है। अभी तो तू कह रहा प्यार कर रहा हूं उससे, इसने मना कर दिया? मजबूरी बुलाया नहीं, हिंदू की बुढ़िया बुलाया शादी के लिए था? शादी के लिए हिंदू बुलाया क्या है? नहीं मतलब वो जी अपना बात क्या बताओ आपको भैया, छोड़ दीजिए आपको, छोड़ कैसे देंगे? शादी के लिए बुला के अभी ये कह दिया मेरे को पसंद नहीं है, तो उसको वापस भेज रहा है? मैं बोल रहा हूँ पसंद नहीं है। हाँ तेरे को पसंद है? मैं कितना देख, कितना अच्छा लड़का हूँ मैं। तेरी शादी करवा दे, पसंद है तेरे को? तू कर लेगा? पसंद की बात नहीं, तू शादी करेगा इससे क्या? नहीं करेगा। क्यों? तू बुलाए क्यों? पहले क्या कर गया? तेरे दारू उतरी नहीं है ना, तब भी तो कहता अच्छा लड़का हूँ। छोटे भाई इनको पुलिस के हवाले करो, भाई मैं वो बंद कर, मोटा कर, बोला मत कर। इसको मैं बोलूं मैं मत आना रूम के नीचे, तो ये चला आया दूसरे रूम पे, गया वो आया ही नहीं। तो तूने रूम में छुपा के रखा इसको? रूम पे मैं छिपाऊ क्यों? तो वो कह रहा कोई हीरा थोड़ी ना है जो मैं छुपा है। शराबी ऐसे बातें मत कर। चलो भाई पुलिस आ रही है जोधपुर के अंदर, जो भी जगह जगह नहीं बताएंगे। मैं सजा करूंगा तो दूर रह, लड़की सब कुत्ते रात निकाल रहा है। शक्ल देखी अंदर की शक्ल तो रिजेक्ट करते, अगर ये तेरे को पसंद करती तो कोई बात नहीं, अगर ये तेरे को शक्ल लेना, अगर ये पसंद, अगर ये पसंद करती शादी कर लेता तू? पसंद है क्या करेगा? मेरा मम्मी पापा को ये नहीं, मेरा मम्मी मम्मी ने बोला लेके आओ लड़की, लेके आओ तो इसको लेके आ गया। इसकी माँ ने बोला कि मेरे को बहू लाओ और ये इसको लेके आ गया, फंसा के दांत क्यों निकाल रही है? तो कुत्तियों की तरह हिंदुओं को बदनाम कर रही है। लड़की जात हो किसी बात करके आपको भी कम, आप नॉलेज क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे कुछ समझ में आपको आया नहीं? आप मेरे चलो भाई इनके माँ बाप को बुलाएंगे,
और पुलिस आ रही है, पुलिस को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद मैं रो रहा है, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं फंस रहा हूँ। अच्छा तू फंस गया क्योंकि ये यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ रहूंगा, मेरे सामने मत रहे, दूसरे फैक्ट्री पे काम करूंगा। अच्छा इसको गांव भेजेंगे, पुलिस आ रही है। और ये जो छोरे हैं मुसलमानों के, ये हिंदू बड़ बड़ के लड़कियों को फंसाते हैं दिल्ली से। आप तो गलत शराबी, शराबी हूँ लेकिन इतना गलत नहीं है। आप सोच रहे ना मुसलमान दारू नहीं पीते, तू दारू पी रहा हूँ मैं क्यों? मेरा आप में अकेला जिंदगी मैंने गुजारा है, मेरे तमिलनाडु, गोवा, मुंबई, दिल्ली, मेरे 12 साल की उम्र से मेरे हर जगह पे मैं बैठा। अब तेरे को भाषा मेरे को, अब तेरे को लुगाई नहीं मिल रही है ना? लुगाई नहीं मिल रही वो बात तो भाई इस पे हंसी भी आ रही है। पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। और तेरे को वापस गाँव जाना है, यही रहना। मुकदमा दर्ज कराएगी, तेरे साथ धोखा किया, ये मार के फेंक देता तो मुकदमा दर्ज कराएगी नहीं करवाएगी? मुकदमा दर्ज करवा देगी तेरे साथ में, इसने चीटिंग की थी। तेरे दो बच्चे भी हैं, बच्चे कहाँ हैं? और उनको छोड़ के आ गई, बच्चों को छोड़ के? कैसी राक्षसनी है? हम काम करने के लिए आए। ये मुसलमानों के चक्कर में तेरे को जादू टोना नहीं कर दिया इसने? दो बच्चों को छोड़ के आ गई। चलो भाई छोड़ दो, ये है ही ऐसी। तू मुकदमा दर्ज करा अभी चल, तेरे को सही लगता तो, नहीं तो पुलिस जाने तू जाने। क्यों हिंदुओं को बदनाम कर रही है? बच्चे कितने कितने साल के हैं? 13 साल की है? 13 साल की क्या? इसकी बच्ची 13 साल की है। और दूसरे कितने साल का है? 12 साल की है। तेरे को सब पता है फिर भी तू इससे शादी करेगा? चलो छोड़ो भाई, पुलिस आ रही है। और ये ध्यान रखो, ये जो लड़कियां है ना, ये भी हिंदुओं को बदनाम कर रही है। ये लड़का मुस्लिम था लेकिन इसने देख, ये देखो कान भी छेद रखे हैं। ये हिंदू पढ़ने के लिए, रुक जा, ये हिंदू पढ़ने के लिए कान भी छेदते हैं कि हम हिंदू हैं। लड़कियों को फंसाते हैं, यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद में शादी का झांसा देके बेवकूफ बनाते हैं। तो ध्यान रखो, जितने भी भाई अभी पुलिस आएगी उसके बाद में इनका जो भी है समाधान वो अपने आप बताएगा। चलो ठीक है भाई, माफ कर देना, मैं गलती होगी।